राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। पुजारी की हत्या करने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 14 सितंबर सन 2021 धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत ज्ञानपुरा में 12 तारीख को हनुमान मंदिर के पुजारी की चार अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटकर और सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। तिरला थाना पुलिस ने मामले में फरार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि परसों रात के समय मंदिर के पुजारी के चार अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने चौकीदार को लाठी डंडों से पीटा था और मंदिर के पुजारी पर पत्थर से हमला कर दिया था। पुजारी को समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण अस्पताल में पुजारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। आज पुलिस ने सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धार से कैमरामैन कुंदन दनगाया के साथ धार जिला ब्यूरो चीफ अजय सिंह भाबर की खास रिपोर्ट। परसों के दिन करीब शाम को 8 से 8:30 के बीच में ज्ञानपुरा में कड़बन जो पहाड़ी है उस पर एक घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ मंदिर के पुजारी हैं उनको कुछ लड़कों ने, एक लड़के ने ईंट मारी। इसमें अभी पुलिस ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में चार लड़कों को अरेस्ट किया है, जिसका नाम शिवा, अजय, करण और अर्जुन है। इसमें पूरी जो स्टोरी है वो ये निकल के आई है कि ये चारों लड़के धार से अखाड़ा खेलने के बाद अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में इन्होंने मंदिर के बाहर हैंडपम्प से जब ये पानी पी रहे थे तो पुजारी ने इनको टोका और उसको इस टोकने के कारण इनके बीच में विवाद हुआ और इनमें से एक लड़के ने पहले जो चौकीदार था उसको लात मारी, जिससे वो भाग गया और फिर अंदर से जब पुजारी निकल के बाहर आए तो शिवा नाम के लड़के ने एक ईंट उठा के उनके सिर में मार दी और थोड़ा लेट होने के कारण और फिर उन्हें जब एडमिट कराया गया और रात को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सर, किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजिश इनके बीच में? ऐसी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं निकल के आई है।